गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट। तो अभी हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया वुमेन T20 में होने वाले आज के दूसरे मुकाबले की। पहला मुकाबला आपको पता है शुरू हो चुका है। दूसरे मुकाबले की अगर मैं बात करूं, मेलबर्न रेनेगेड और सिडनी थंडर के बीच में मुकाबला होने वाला है। थंडर की टीम ने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है अभी तक, वन साइडेडली परफॉर्म करा है पूरे के पूरे टूर्नामेंट में। अगर आप देखो ना भैया, सारे के सारे मुकाबले जीत कर आ रही है जितने भी इनको खेलने को मिले हैं। ऐसा नहीं कि पांच मुकाबले हैं तो पांचों के पांचों खेलने को मिले हैं, तीन मुकाबले खेलने को मिले और तीनों के तीनों मुकाबले जीत कर आ रही है। मेलबर्न रेनेगेड का ऐसा नहीं है भैया, वो सारे के सारे नहीं जीती है, एक आधा ही मुकाबला जीती है। अपडेटेड टीम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी सबसे पहले ये ऐप कौन सी है, ये है माई टीम 11 ऐप। इसका लिंक कहाँ मिलेगा, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से डाउनलोड करनी है। एक्सपर्ट 11 डालोगे, 100 रुपये बोनस मिलेगा। 100 का 100 रुपये बोनस आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, और 100 का 100 रुपये बोनस आप यूज़ कहाँ कर सकते हो। ये जो लीग्स हैं ना, ये सारी की सारी आपके लिए फ्री होने वाली हैं। अगर आप पहली बार खेल रहे हो ना, तो ये सारी की सारी लीग्स आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं। बिल्कुल आप जितनी, मतलब 7 रुपये की कितनी टीम बना सकते हो भैया, आराम से जो है 10 से 12 टीम्स बना सकते हो, जो आपको बोनस मिलेगा उसी से ही। तो वो देख के चलना, क्योंकि अपडेटेड टीम तो वैसे भी आपको टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड करवा ही दूंगा। आप स्टैट्स मैं आपको यहाँ पर बता ही दूंगा, बस आपको क्या करना है, डाउनलोड करनी है ऐप। एक्सपर्ट 11 डालोगे तो 100 रुपये बोनस मिल जाएगा, और वो बोनस आप यहाँ पर 100% बोनस यूजेबल लीग है, हर एक लीग में यूज़ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अभी जो हम यहाँ पर सबसे पहले स्टैट्स की बात डिस्कस कर लेते हैं। मेलबर्न रेनेगेड की अगर आप बात करो तो भैया, तीन मुकाबले इनने खेले हैं, तीनों के तीनों मुकाबले हार कर आ रहे हैं, ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं रही। इनके पास भी बैट्समैन बहुत बढ़िया है, जैसे लीजा ली है ना, ये बहुत बढ़िया बैट्समैन है। आपको अगर आपने इंटरनेशनल मैचेस देखे हों तो आपको पता होगा कि ली कितनी बढ़िया प्लेयर हैं, पर यहाँ पर नहीं चल रही है मेलबर्न रेनेगेड के लिए। सोफी मेलनॉक्स 29-23-0 पिछले मुकाबले में, तो भैया इनने भी कुछ नहीं करा, पर उससे पिछले दो मुकाबलों में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही थी, 29-23 रन मारे। उसके बाद एमी स्टारवेट के साथ हो क्या रहा है, देखो पहले मुकाबले में बॉलिंग नहीं करी, दूसरे मुकाबले में भी बॉलिंग नहीं करी, तीसरे मुकाबले में ओवर दिया गया और एक विकेट चट गया। बॉलिंग करवा सकती हैं, पर पहले दो मुकाबलों में बॉलिंग बिल्कुल भी नहीं दी गई थी। फिर उसके बाद कर्टनी वेब आपके पास है, 33 रन 21 रन और 4 रन। फिर उसके बाद जॉर्जिया वियरहैम आपके पास है, 22 रन 54 रन के साथ 2 विकेट और 8 रन। फिर उसके बाद जे डॉली आपके पास है, 13 रन इसने बनाए। एरिन आपके पास है, 2-2 रन। फिर उसके बाद यहाँ पर एम ब्राउन आपके पास है, 1 रन 2 रन और 5 रन। फिर उसके बाद कार्ली लियसन आपके पास है, 0-0। फिर उसके बाद मॉली स्टैनो आपके पास है, 0-4। उसके बाद आर मायर आपके पास है, 2 रन। अब ये देख के चलो कि किस किस प्लेयर ने बढ़िया परफॉर्म करा है। यहाँ पर अगर आप देखो, लीजा ली बढ़िया परफॉर्म कर सकती है, करा नहीं है पर कर सकती है। फिर उसके बाद स्मेलनॉक्स आपके पास 29-23 रन, बहुत बढ़िया पिक। फिर उसके बाद एमी स्टारवेट आपके पास है, 20 रन इसने करे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर कर्टनी वेब हैं, 33 और 21 रन। फिर उसके बाद जी वेरहम आपके पास है, यहाँ पर अगर आप देखो इसने बढ़िया परफॉर्म करा, तो यहाँ से आपको प्लेयर्स मिल जाएंगे स्टैंड आउट करने वाले, लाइक स्मेलनॉक्स। फिर उसके बाद यहाँ पर कर्टनी वेब, उसके बाद जी वेरहम। बॉलिंग में इतना बढ़िया कुछ रहा नहीं है, आप एम स्टारवेट को भी रख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखो, आपके पास एम स्टर्नो एक बहुत बढ़िया पिक है, पर अभी के लिए विकेट्स नहीं चटका पा रही है। यहाँ पर अगर आप देखो, एम स्टर्नो पहले मुकाबले में 1 विकेट, दूसरे मुकाबले में 3 ओवर, और उसके बाद अगर आप देखो तो तीसरे मुकाबले में भी 3 ओवर। यहाँ पर आर मायर ने भी 2 ओवर करवाए, आर मायर इज़ अ गुड पिक, पिछले मुकाबले में ही टीम में वापस आई है। एस मेलनॉक्स आपके पास है, 3 ओवर इसने करवाए। फिर उसके बाद यहाँ पर मॉली स्टर्नो है, 3 ओवर इसने करवाए। कार्ली लियसन ने 2। फिर उसके बाद यहाँ पर जी वेयर है, हमने भी करीब करीब 2 ही ओवर मान के चलो, क्योंकि सामने वाली टीम ने रन चेस कर लिए थे, तो इसलिए दूसरा ओवर इनका कंप्लीट नहीं हुआ। एमी स्टारवेट 1 विकेट, एकमात्र विकेट जो पिछले मुकाबले में चटकी, वो चटकी भैया एमी स्टारवेट ने। अब यहाँ पर सिडनी थंडर की अगर आप बात करो भैया, इनके तो सारे के सारे प्लेयर ही चल रहे हैं, किसी को भी बॉलिंग दे दो, किसी को भी बैटिंग दे दो, वो मतलब बढ़िया परफॉर्म करके दे रहा है। रैचल ट्रीमैन की अगर मैं बात करूँ, 16-38 6 रन के साथ 1 विकेट। फिर उसके टी बी ओमन 9 रन 30 रन और 4 रन। फिर उसके एस जो जॉनसन 30 रन के साथ 1 विकेट, 1 विकेट और 4 रन के साथ 2 विकेट। एच नाइट 83 रन के साथ 1 विकेट, 2 रन के साथ 3 विकेट और 57 रन के साथ 2 विकेट। बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है एच नाइट। एच नाइट को आराम से अपनी टीम का कैप्टन रख सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपके पास
रिचल हाइंस हैं 39 रन, 4 रन, 61 रन। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखो पी लिचफील्ड आपके पास है 2-1-1। फिर उसके बाद टाइलर विल्सन 1 रन। फिर उसके बाद यहाँ पर एल स्मिथ आपके पास है 3 विकेट के साथ 1 विकेट। फिर उसके बाद यहाँ पर एस इस्लाम 1 विकेट और 1 विकेट। उसके बाद यहाँ पर एस बेट्स 2 विकेट और 2 2 और 3 विकेट। बहुत बढ़िया कंसिस्टेंसी से परफॉर्म करा है। यहाँ पर अगर आप देखो बॉलिंग डिपार्टमेंट तो एस इस्लाम हर एक मुकाबले में 3 ओवर करवा रही हैं एटलीस्ट। एस इस्लाम यहाँ पर ये जो एक एक ओवर है ना, ये 5 ओवरों का ही मैच था पिछले, जब सामने वाली टीम चेस कर रही थी 5 ओवर का हो गया था। तो ये देख के चलना, ये मत कहना कि भैया यहाँ पर तो एक ओवर करवाया है, आप कह रहे हो कि हर जगह तीन तीन चार चार ओवर करवा लिया। तो यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर जब एक ओवर करवाया तो एक भी विकेट नहीं चटकाई। उसके बाद एस बेट्स आपके पास है 3 विकेट पिछले ही मुकाबले में, 4 ओवर करवा के चटकाई। एस जो जॉनसन आपके पास है पिछले मुकाबले में 4 ओवर करवाए, 2 विकेट चटकाई। फिर उसके बाद एल स्मिथ आपके पास है, एल स्मिथ ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो क्योंकि स्टार्टिंग के 2 मुकाबले में बहुत बढ़िया परफॉर्म कराया है। एच नाइट कंसिस्टेंसी से आपको परफॉर्म करके दे रही है। रैचल ट्रीमैन ने पिछले मुकाबले में 1 ओवर करवाया, पहले मुकाबले में 1 ओवर करवाया, पर उसके बाद दूसरे मुकाबले में मतलब इनने मेन बॉलर्स को ही बॉलिंग दी थी, पार्ट टाइमर्स को कमी दी थी। और रिचल ट्रेमैन एक पार्ट टाइमर ही है, मेन बॉलर नहीं है। तो वो देख के चलना, अपडेटेड टीम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी जो हम यहाँ पर टीम की बात डिस्कस कर लेते हैं, टीम की बात डिस्कस करने से पहले जिन भाई ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिन भाई ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी है चैनल सब्सक्राइब नहीं करा दोनों काम कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोस और भी आती रहेंगे आपके लिए इस चैनल पर। यहाँ पर अगर आप देखो लीसा ली आपके पास है, फिर उसके बाद टी विल्सन आपके पास है, टी विल्सन ट्राई करना चाहते हो टी विल्सन ट्राई कर सकते हो, बट क्या इतनी बढ़िया पिक है टी विल्सन। अगर आप देखो मैं आपको स्टैट्स दिखाता हूँ पिछले मुकाबले में क्या करा है टी विल्सन ने, 1 रन ही बनाया है, बहुत नीचे आ रही है, इनके ओपनर्स ही बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। तो टी विल्सन तक की तो बैटिंग ही नहीं आने वाली, जे डूली खेलेंगे नहीं, यहाँ पर एल ली का ही आपके पास ऑप्शन रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर रिचल हाइंस आपके पास है, फिर उसके बाद एम स्टारवेट आपके पास है, आर ट्रीमैन आपके पास है, टी ब्यूमोंथ आपके पास है, फिर उसके बाद सी वेब आपके पास है, इरिन आपके पास है, पी लिचफील्ड आपके पास है, नीचा जो नीचे और कोई प्लेयर है नहीं। यहाँ पर आर हाइंस इज़ अ गुड पिक, आर ट्रीमैन इज़ अ गुड पिक, टी ब्यूमन इज़ अ गुड पिक। ए स्टारवेट को मैं क्यों मतलब मैंने इग्नोर कर दिया कि मैंने स्टारवेट की बात ही नहीं करी, क्योंकि पिछले 2 मुकाबलों में ना, मतलब पिछले नहीं स्टार्टिंग के 2 मुकाबलों में इसने बॉलिंग नहीं करवाई, पिछले मुकाबले में भी सिर्फ और सिर्फ 1 ओवर दिया गया। तो कुछ ऐसा पक्का नहीं है कि भाई ये बॉलिंग भी बहुत बढ़िया ही करवा देगी। यहाँ पर अगर आप देखो सी वेब को आप रख सकते हो एज़ कम्पेयर टू एम स्टारवेट, तो एम स्टारवेट को ड्रॉप करना चाहते हो ना बिना सोचे समझे कर सकते हो, पर मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत रिस्की हो जाता है भाई एम स्टारवेट को ड्रॉप करना। उसके बाद एच वाइट, फिर एच नाइट, सॉरी एच नाइट, फिर उसके बाद जी वेयरहम, फिर उसके बाद एस जो जॉनसन, फिर उसके बाद एस मेलनॉक्स, चारों प्लेयर इंपॉर्टेंट, चारों प्लेयर आपकी टीम में होने चाहिए, चारों प्लेयर हर एक टीम में आपको सामने वाला जो प्लेयर आएगा ना आपका अपोनेंट हेड टू हेड खेल रहे हो तो उसमें ही मिल जाएगा। उसके बाद एस बेट्स आपके पास हैं, एल स्मिथ, एस इस्लाम, सी लियसन, सी लियसन ट्राई कर सकते हो, देखो इतनी बेकार भी पिक नहीं है, पर अगर आप सेलेक्टेड बाय और उन सब से चलते हो तो फिर उसके बाद तो भैया आपको ये 3 ही रखने पड़ेंगे देखा जाए तो, पर मैं ये 3 नहीं रख रहा हूँ। वैसे 7-4 का रेशियो बहुत सेफ रेशियो रहने वाला है आपके लिए, पर थोड़ा सा मैं रिस्क लूँगा भाई, आर मायर लेकर जा रहा हूँ मैं सबसे पहली बात, तो आर मायर मेरी टीम में होंगी, आर मायर इज़ अ गुड पिक, बढ़िया आपको परफॉर्म करके दे सकती हैं एस बेट्स और एस इस्लाम, ठीक है ये पिक रहने वाले हैं। एल स्मिथ को अभी के लिए पिक नहीं करा है, अगर कुछ होगा तो वो एल स्मिथ जो फाइनल अपडेट होगी वहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, कुछ भी जो अपडेट होगी। अपडेटेड टीम आपको वैसे भी टेलीग्राम पर मिलने वाली है, कैप्टेंसी जो है यहाँ पर एच नाइट ऑब्वियस सी बात थी, और जी वेयरहम एज अ वाइस कैप्टेंसी, क्योंकि जी वेयरहम आपको बैटिंग भी करवा कर दे रही है बहुत बढ़िया और बॉलिंग भी आपको बहुत बढ़िया करवा कर दे रही हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले जो है माई टीम 11 की टीम की बात कर लेते हैं, जो सबसे पहली टीम आपके लेकर आए हैं वो ग्रैंड लीग की टीम है, अपडेटेड स्मॉल लीग की टीम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, क्योंकि ग्रैंड लीग ही करते हो भाई सबके सब, कमेंट सेक्शन में ग्रैंड लीग की टीम प्रोवाइड करवा दो, ग्रैंड लीग की टीम प्रोवाइड करवा दो। तो इसलिए एस बेट्स एज अ कैप्टन, आर हाइंस एज अ वाइस कैप्टन, टी विल्सन, फिर उसका टी ब्यूमोंट, सी वेब, एस जॉनसन, एच नाइट, जी वेयरहम, एस मेलनॉक्स, फिर उसका एस इस्लाम और सी लियसन, पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल है। अपडेटेड टीम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस
अच्छा, ड्रीम इलेवन की टीम की भी तो बात करनी है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जो आपके लिए ड्रीम इलेवन की टीम जो लेकर आया था आपके लिए बाय डिफॉल्ट, कैप्टेंसी जो यहाँ पर एच नाइट को दे रखी है, जी वे रैम को वाइस कैप्टेंसी, फिर उसके बाद एल ई आर ट्रीमैन, आर हाइंस, फिर उसके बाद स्टारवेट, एस जो जॉनसन, एस मेलनॉक्स, एस बेट्स, एल स्मिथ और एस इस्लाम, पूरी की पूरी टीम आपके लिए सेफ टीम है। और जो इससे पहले भी टीम बनाई थी वो भी सेफ ही थी, तो उन दोनों में से कोई भी टीम आप ट्राई कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दिए, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगे आपके लिए इस चैनल पर।